चुनाव के मद्देनजर अब तक बीजेपी ने 267 उम्मीदवारों के नामों का जो लिस्ट है वो उन्होंने बताया है, लेकिन अभी भी कई जगह पर उम्मीदवार सही नहीं हुए। कौन लड़ेंगे बीजेपी के पक्ष से आने वाले चुनाव में? बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो क्या ये सभी नाम कुछ ही दिनों में बीजेपी सामने आने वाली है? और जिस जगह या फिर जिन सीटों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं उम्मीदवारों के, उनका कारण क्या है? कहीं गठबंधन तो कहीं चयन, कि किसका चयन करना है और किसका नहीं। चलिए आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि लोकसभा चुनाव में किन किन जगहों को लेकर अभी भी दुविधा में है बीजेपी और कब तक इन उम्मीदवारों के जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। बीजेपी ने अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 267 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कई मौजूदा सांसदों के टिकट अटके हुए हैं, तो कहीं गठबंधन के पेच की वजह से उम्मीदवारों के ऐलान में देरी हो रही है। बिहार से सभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। यहां सहयोगी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग का भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल से भी सभी नाम अभी तक बाहर नहीं आए हैं। जाना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो भी उम्मीदवारों के नाम सामने लाने की अभी तक बाकी है उन पर बहुत ज़्यादा चयन कर रही है बीजेपी। इसी तरह ओडिशा में भी गठबंधन होगा या नहीं इसे लेकर भी मामला फंसा हुआ है। तमिलनाडु में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और यहाँ उसकी पहली सहयोगी रही AIADMK के गठबंधन तोड़ने के बाद पार्टी यहाँ AIIMDK के बागी नेताओं के संपर्क में है। यहाँ भी अभी बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी यूपी की 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। गाजियाबाद से मौजूदा सांसद और मंत्री वीके सिंह की सीट पर सभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, उनका टिकट फंसा हुआ है माना जा रहा है। इसी तरह पार्टी ने यूपी के सुल्तानपुर सीट से भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जहां से मेनका गांधी सांसद है। उनके सांसद बेटे वरुण गांधी की सीट पीलीभीत में भी उम्मीदवार के ऐलान का इंतजार में है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की बेटी और मौजूदा सांसद पूनम महाजन की लोकसभा सीट मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार का ऐलान अभी नहीं किया गया है। इसी तरह राजस्थान से 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर में पेच फंसा है। यहाँ कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसलिए उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बीजेपी ने बिहार से सभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी की सहयोगी JDU कह चुकी है कि वह 40 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें 5 सीट मिली है। हालांकि चिराग के चाचा पशुपति पारस का कहना है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और वह आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा में बीजू जनता दल के संगठन को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है और पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच बात भी हो चुकी है, लेकिन यहां भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। बीजेपी के स्थानीय नेता कह रहे हैं कि वे अपने दम पर यहां चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सभी गठबंधन होगा या नहीं इसका आधिकारिक ऐलान आना बाकी है। ऐसे में ओडिशा में बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान बाकी है। महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर अभी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, जिस वजह से कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान रोका गया है। तमिलनाडु के पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी ने AIADMK और PMK के साथ मिलकर लड़ा था। पिछले साल AIADMK ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया था कि वे उनके सीनियर नेताओं के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं और फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। PMK यहां इस दुविधा में दिख रही है कि वह AIADMK के साथ गठबंधन करे या फिर बीजेपी के साथ। बीजेपी और तमिल मनीला कांग्रेस साथ है। बीजेपी AIIMDK के बाकी नेता ओ पनीरसेल्वम और TTV दिनाकरन से भी बातचीत कर रही है। इसी पेज में अभी तमिलनाडु में भी उम्मीदवारों का ऐलान लटका हुआ है। हालांकि बीजेपी के जो नेताएं हैं उनका कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जो भी उम्मीदवारों की जो लिस्ट तैयार हो रही है उसे बहुत ही बखूबी से
बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना ये है कि इनके लिए यही काम कहीं मुसीबत का कारण ना बन जाए, क्योंकि अभी जो भी दिन सही होने वाले हैं कि कब होगा चुनाव, अभी तक अगर बीजेपी नाम सही नहीं कर पाएगी तो आखिर कब करेगी, और उन उम्मीदवारों को अपने तरीके से चुनाव लड़ने की जो भी तैयारी है वो करने का समय बहुत ही कम मिलेगा, ऐसा मानना है। चलिए देखते हैं कि बीजेपी का ये जो दाव है ये कितना असर लाता है आने वाले लोकसभा चुनाव में, या फिर यही इनके लिए एक कारण बन जाता है मुसीबत का। देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल, फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी मुलाकात होगी हमसे, और कमेंट करना ना भूलिएगा। डिजिटल खबरीलाल का मतलब ही है खबरें आपकी नज़र हमारी।